नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं लोकतंत्र। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कटवाल। टीवी जगत के बड़े चेहरे सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की खबर आज जैसे ही सामने आई, हर सुनने वाला और इस खबर को देखने वाला शख्स शॉक्ड है। बालिका वधु और बिग बॉस से दर्शकों के दिल में जगह बनाने वाले सिद्धार्थ की मौत की शुरुआती वजह दिल का दौरा बताई गई। रात में उन्होंने दवा खाई, दवा खाकर वो सोए और सुबह उठे नहीं। उन्हें मुंबई के कूपर अस्पताल में ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल का कहना है कि मौत की असल वजह पोस्टमार्टम के बाद ही सामने आएगी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है, जिस पर सिद्धार्थ के फैंस तक यकीन नहीं कर पा रहे, कि महज 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ अचानक यूं चल बसे। उनकी मौत से टीवी फिल्म जगत के कलाकार, उनके फैंस, हर कोई इस वक्त हैरान है। बहुत दुखद खबर। सिद्धार्थ शुक्ला इतने कम उम्र में और इस वक्त सक्सेस की दहलीज पर, उन्होंने इतना बड़ा कदम रखा था बिग बॉस के बाद। बिग बॉस के घर से उनको बहुत प्रेम मिल रहा था, उनका ये अचानक चले जाना हार्ट अटैक से क्वाइट शॉकिंग। एक बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा नुकसान सिनेमा इंडस्ट्री के लिए, टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए, उनके करोड़ों करोड़ों फैंस के लिए जो ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर हिंदुस्तान को मोहब्बत करते थे। मतलब क्वाइट शॉकिंग। सिद्धार्थ, तुम बहुत अच्छे इंसान, एक वेरी पॉजिटिव एनर्जी, हमेशा राइट्स के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, वुमेन राइट्स के लिए हमेशा खड़े रहते थे। एक आवाज थे तुम, एक स्वाभिमान था तुम्हारा, एक तुम्हारा एक अलग अंदाज था। इतने कम समय में तुमने बिग बॉस में सबके दिल पर राज किया। और ये सुबह, ये पता नहीं ये कैसी सुबह हुई कि आज ये खबर आई। और बहुत 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 दुखद ये है। महादेव से प्रार्थना है उनकी आत्मा को अपने शिव चरणों में स्थान दें। और मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, निःशब्द हूँ। हेल्थ फ्री गाय, शरीर से प्यार करने वाले, कसरत रोज करने वाले, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्वाइट शॉकिंग, वेरी वेरी शॉकिंग। इतना शॉकिंग, इतना इतना पेनफुल न्यूज आज सुबह मिला। सिद्धार्थ इज नो मोर विद अस। बीन अ डियर फ्रेंड, अ पर्सन हु अंडरस्टूड, मेड अदर्स लाफ एंड अग्रेसन, बस सही चीजों के लिए था उस इंसान का। स्पिरिचुअल कनेक्टेड, आई डोंट बिलीव अ 40-year-old गाय हु इज इनटू जिमिंग, फिटनेस, डाइट एंड एवरीथिंग इज गॉन विथ एन हार्ट अटैक। आई डोंट नो भगवान क्या प्रूव करना चाहते हैं यहाँ पे, बट हमारे बीच से हमारे अपने, हमारे दोस्त ऐसे जा रहे हैं जैसे कभी थे ही नहीं। इट्स रियली शॉकिंग एंड आई हैव नो वर्ड्स। मे गॉड गिव हिज फैमिली, हिज मदर, द स्ट्रेंथ टू टेक दिस पेन, दिस लॉस। गॉड ब्लेस योर सोल सिद्धार्थ, गॉड ब्लेस यू। तो वो सारे लोग जो सिद्धार्थ को जानते थे, जो उनसे जुड़े हुए थे, उनके लिए यकीन कर पाना मुश्किल है कि कल तक जो हंसता खेलता इंसान उनके बीच मौजूद था, अचानक वो यूं चला गया। सलमान खान ने भी सिद्धार्थ के निधन पर दुख जताया। सलमान ने ट्वीट करते हुए लिखा, सिद्धार्थ तुम बहुत जल्दी चले गए। सलमान ने यह भी कहा कि तुम्हारी कमी हमें बहुत खलेगी। सलमान खान का ये ट्वीट भी आपको हम दिखा रहे हैं। दरअसल बिग बॉस, क्योंकि सलमान होस्ट करते हैं और उसी शो में उसके पार्टिसिपेंट थे पहले सिद्धार्थ, और उसके बाद उन्होंने ये शो जीता भी था। और वो तस्वीरें ऐसी थी जिन्होंने एक उनकी पहचान को एक नए स्तर पर लेकर गया था ये प्रोग्राम, और इसी वजह से हर कोई आज बिग बॉस का जिक्र कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जिस तरह का परफॉर्मेंस सिद्धार्थ का रहा है छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक, तो ऐसे में उनकी जो उम्र रही, जो उनका लाइफस्टाइल था, किसी के लिए यकीन कर पाना मुश्किल है कि आखिर कैसे सिद्धार्थ यूं चल बसे। मॉडलिंग और एक्टिंग दोनों में उन्होंने नाम कमाया। 2008 में टीवी का शो बाबुल का आंगन छोटे नाच से शुरुआत की, और उसके बाद दिल से दिल तक, लव यू जिंदगी, ये अजनबी, कई ऐसे टीवी सीरियल्स हैं जिनमें सिद्धार्थ अहम भूमिका में दिखाई दे। हालांकि पहचान उन्हें बालिका वधू शो में लीड रोल से मिली। बालिका वधू में उनके ऑपोजिट प्रत्युषा बैनर्जी काम कर रही थी। और देखिए, इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि 1 अप्रैल 2016 में प्रत्युषा बैनर्जी ने खुदकुशी कर ली थी। सिद्धार्थ शुक्ला, जिन्हें लोग इतना पसंद करते थे, हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया में उन्हें एक बड़ा ब्रेक भी मिला था फिल्म्स में। आखिरी बार वो वेब सीरीज ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3 के लीड रोल में नजर आए। सिद्धार्थ अपने पीछे अपनी माँ और दो बहनों को छोड़ गए हैं। उनकी पीआर टीम ने स्टेटमेंट रिलीज किया और कहा कि सिद्धार्थ के परिवार की प्राइवेसी को इस समय रिस्पेक्ट किया जाए, उन्हें समय दिया जाए। सिद्धार्थ जिम जाते थे, सेहत का ख्याल रखते थे, और इसीलिए सवाल ये बना हुआ है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ 40 साल की उम्र में
दिल का दौरा उन्हें पड़ा। पहले कहा जा रहा था कि हार्ट अटैक बुजुर्गों की बीमारी है, लेकिन जिस तरह से युवाओं के बीच हार्ट अटैक से मौत की घटनाएं बेतहाशा बढ़ी हैं, उसके बाद सवाल ये भी है कि आखिर क्यों इस तरह से युवा इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बताते हैं कि हार्ट अटैक क्यों आते हैं, और इसे लेकर कुछ हमारे पास फैक्ट्स हैं जो इस वक्त आपके सामने हम रखना चाहते हैं। और आज के दिन में ये खबर इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो शोबिज की दुनिया में था, उसका एक लाइफस्टाइल था, और उस लाइफस्टाइल में जिस तरह की चीज़ें थी और सिद्धार्थ जितने फिट दिखाई देते थे, तो आखिर मौत के पीछे वजह क्या रही? लेकिन कम उम्र में हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं? जंक फूड इसका एक बड़ा कारण तमाम हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं, क्योंकि इस खाने में जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है यकीनन वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा और ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और ये वजह है जिससे हार्ट अटैक का खतरा किसी भी इंडिविजुअल पर ज़्यादा होता है। लेकिन सिर्फ खाना नहीं बल्कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप किस तरह का रूटीन फॉलो करते हैं, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। नींद अगर कम ले रहे हैं तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। दिल सेहतमंद रहने के लिए तमाम डॉक्टर्स हेल्थ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि आप कम से कम 7 से 8 घंटे की ज़रूरी नींद लें। लेकिन देखिए, ये मजबूरी है आज के ज़माने में कि जिस तरह के लाइफस्टाइल में, जिस तरह के कामकाज में हम सब लगे हैं, इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान कम जाता है, और उसका नुकसान किसे झेलना पड़ता है? आपकी सेहत को। कम सोने से देखिए हार्ट अटैक का खतरा 22% तक बढ़ता है। लेकिन इससे अलग नशा इसकी एक अहम वजह बताया जाता है कि जो लोग शराब में, स्मोकिंग में यानी सिगरेट का सेवन करते हैं, उनके लिए भी ये एक बड़ी समस्या बनकर जीवन के किसी ना किसी पड़ाव में सामने आता है। तो ये तमाम वजहें हमने आपको दिखाई जिसका जिक्र हम लगातार आपके सामने कर रहे थे। तो आज इसी पर हम खास चर्चा करेंगे, और हमारे साथ इस वक्त जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सबसे पहले मैं आपका परिचय उनसे करा दूं। हमारे साथ डॉक्टर वेदम प्रसाद राम प्रसाद इस वक्त जुड़ गए हैं। आप साइंटिस्ट हैं, CEO मेडिजेनोम। इसके अलावा हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट अनुजा कपूर जी जुड़ गई हैं। हमारे साथ जिम ट्रेनर अंकित गौतम इस वक्त मौजूद हैं, और हमारे साथ एक्टर इमरान हसनी इस वक्त जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस पैनल पर। लेकिन क्या कहा जाए, परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि आज सिद्धार्थ के जाने के बाद जिस तरह से इस मुद्दे पर बातचीत हो रही है, ये बातचीत तो हमेशा होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं शायद हम सभी का लाइफस्टाइल, हमारे तौर तरीके ऐसे हो गए हैं कि हेल्थ कहीं पीछे छूट जाती है, जिन चीज़ों पर ध्यान देना है वो कहीं पीछे छूट जाता है। और इसीलिए हमने ऐसे एक्सपर्ट्स को आज लोकतंत्र में आपके साथ जोड़ा है ताकि इन बातों को हम और गौर से देख सकें। हमारे साथ डॉक्टर प्रीति गुप्ता भी इस वक्त मौजूद हैं। आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं सफदरजंग हॉस्पिटल से। डॉक्टर प्रीति गुप्ता, मैं शुरुआत आपके साथ ही करना चाहूँगी। देखिए, 40 साल की उम्र और उसमें सिद्धार्थ शुक्ला जैसा एक ऐसा एक्टर जिनको हम बीते तमाम सालों में सुपर फिट देख रहे हैं, उनके जिम के वीडियोस, एक्सरसाइज के वीडियोस, या जिस तरह से इनफैक्ट जो उनका आखिरी मैसेज है इंस्टाग्राम पर, उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर, वो हेल्थ वर्कर्स को सल्यूट कर रहे हैं, तो ये दिखाता है कि हेल्थ को लेकर एक एक्टर के लिए उसका वर्क प्रोफाइल में उस चीज़ की कितनी जगह थी। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि 40 साल की उम्र में ये एक्टर चल बसा। आप जब इस तरह की घटनाओं को देखती हैं, ऐसी खबरों को देखती हैं, तो सबसे पहली वजह जो आपको स्ट्राइक करती है एक एक्सपर्ट के नाते, वो क्या है? सबसे पहले मैं सिद्धार्थ शुक्ला जी को अपने तहे दिल से श्रद्धांजलि देना चाहूंगी, और मैं ये स्ट्रेस करना चाहूंगी कि हमें अपनी जो हार्ट प्रॉब्लम्स हैं उनको जरा भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। 40 की उम्र के बाद हमें उनका उचित आकलन करवा लेना चाहिए। जो फर्स्ट फैक्टर मैं इमेजिन करूंगी, दैट इज एक्यूट साइकोसोशल स्ट्रेस। एज अ मॉडल एंड एज एन एक्टर, जितना ज़्यादा स्ट्रेस वो अपने प्रोफाइल में झेल रहे होंगे, वो ही इस तरह की इवेंट के तरह हमारे सामने आया है। एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इन द फॉर्म ऑफ अपीयरेंस, इन द फॉर्म ऑफ वर्क उनका रहा होगा, जिसकी वजह से एक कम उम्र में अगर प्रीमेच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज उनको हुई है, तो वो हार्ट अटैक के रूप में यदि सामने आई है। एक्चुअल कारण का पता अभी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। Absolutely. लेकिन यदि यदि हार्ट अटैक से हुई है, तो वो प्रीमेच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज का बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, एक्यूट साइकोसोशल स्ट्रेस। एंड लाइफस्टाइल तो वो बराबर जिम करते थे। डॉक्टर प्रीति, हालांकि इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, लेकिन जो परिस्थितियां दिखाई देती हैं कि रात में उन्होंने दवा खाई, वो दवा खाकर सोए और सवेरे वो उठे नहीं, इसे आप क्या रीड आउट कर पा रही हैं? जी, उसका कोई पर्टिकुलर हमारे पास नहीं है कि क्या दवाई खाई है, तो इसलिए हम उसके बारे में अभी कुछ भी हम कमेंट नहीं कर सकते हैं। बट स्ट्रेस इज अ वेरी बिग फैक्टर,
डेफिनेटली मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन जो नॉर्मल फैक्टर्स हैं जी कोरोनरी आर्टरी डिजीज एट अ यंग एज, वो लाइफस्टाइल होते हैं, जैसे अगर कोई सिगरेट स्मोकिंग करता है या हैवी अल्कोहल लेता है या फिर खाने में जंक फूड है या फिर अपनी आपने जैसे कहा कि नींद कम वो ले जी रहे हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसमें कि एक्सीडेंटरी हैबिट अगर किसी की है तो वो यंग एज में प्रीमेच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज कर सकते हैं। बट क्योंकि वो रेगुलरली जिम करते थे, अपना पूरा जी एक्सरसाइज करते थे, तो फिर ये ठीक है। सब मैं फैक्टर्स अनुजा नहीं कपूर जी है। को भी यहाँ पर जोड़ना चाहूँगी। अनुजा देखिए, जब भी हम माया नगरी की बात करते हैं, चाहे वो बॉलीवुड है चाहे वो छोटा पर्दा है, टेलीविज़न पर जिस तरह की जो भी काम रहता है, जिस तरह के स्ट्रेस रहते हैं, कामयाबी नाकामयाबी के बीच का एक तनाव जो है वो दिखाई देता है, ऐसी तमाम कहानियाँ हम सब देखते रहे हैं इससे पहले भी। ये जो स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस आज की तारीख में स्पेशली जो यंग एक्टर्स हैं, हमने पूरी लिस्ट देखी है, चाहे वो जैसे प्रत्युषा बैनर्जी थी, लास्ट ईयर हमने सुशांत सिंह राजपूत का केस देखा, उससे पहले ऐसे तमाम एक्टर्स की लाइफ जो खुलकर पब्लिक प्लेटफॉर्म में जिस हद तक भी आई, जो ये स्ट्रेस है इससे डील ना कर पाना या उसे जिस बेहतर तरीके से हैंडल करना चाहिए अगर वो नहीं हो पा रहा, इसके पीछे आप एक बड़ी वजह क्या देखती हैं, लाइफस्टाइल में स्ट्रेस की जो भूमिका है? देखिए, स्ट्रेस जो है वो सबसे बड़ी भूमिका हर एक की लाइफ में आती है। इट इज नॉट रिलेटेड टू द मॉडलिंग, इट इज नॉट रिलेटेड टू एनी अदर पर्सन हु इज ऑन द ग्लैमर इंडस्ट्री। मेरे लिए भी उतनी प्रॉब्लम है, मेरे लिए, जितने मेरे पैनल से बैठे हैं, सबके लिए। पर सबसे पहले जो मुझे दुख इस बात का है कि आज हमारे बीच में सिद्धार्थ शुक्ला नहीं है। सुबह जब मुझे इसके बारे में पता चला तो इट वॉज सो शॉकिंग कि मुझे ये समझ में नहीं आया कि हमारे बीच में से ऐसे ऐसे लोग निकल के जा रहे हैं जिनके बारे में हमें चित चेता नहीं है, हमने कभी सोचा नहीं है, जिनको कई बच्चे जो हैं को एज अ रोल मॉडल मानते हैं, कई लोग मानते हैं कि वो रोल मॉडल है। अब आप ये मानिए, स्ट्रेस का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं आने वाली लाइफ में कई टाइम पर लोग जब सुशांत का केस हो तो डिप्रेशन पे आ गए थे, भूल गए कि डिप्रेशन जो है वो लॉन्ग टर्म इवेंट होता है, स्ट्रेस होता है जो शॉर्ट टर्म इवेंट होता है। आपको कोई चीज सबमिट करनी है और आपको स्ट्रेस हो रहा है, बट डिप्रेशन तब आता है जब आपको लॉन्ग टर्म कोई चीज चल रही है। देर इज अ पॉसिबिलिटी। पहली बात तो ये कि ये एक जांच का पृथक भी है, इसको थोड़ा उस हिसाब से भी देखना चाहिए कि वो रात को जो गोलियां उन्होंने खाई है वो किस रीजन से खा रहे थे, वो गोलियां क्या कहीं ना कहीं एंटी वो डिप्रेशन की गोलियां थी, क्या कर रही थी वो गोलियां, क्या इन्होंने कभी अपने लिपिड प्रोफाइल वगैरह चेक करवाई थी, क्या रीजन था, क्या ये कहीं ना कहीं साइको ट्रॉपिक चीजों से कोई इश्यूज था। देयर आर मेनी चीज, आपको भी मालूम है सुशांत बिल्कुल। केस में बहुत और कुछ निकल के जी सामने अनुजय आया देखिए, है। जब आप ये सारी बातें इस वक्त ये जो सवाल आप उठा रही हैं, सवाल बहुत इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन हम भी टाइम्स नाउ नवभारत पर ये क्लियर करना चाहते हैं। देखिए, हम परिवार की पूरी इज्जत करते हैं, हम उन्हें उनकी प्राइवेसी की पूरी रिस्पेक्ट करते हैं। अभी उन्होंने क्या दवा खाई, परिस्थितियां क्या रहीं, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा कि जो डॉक्टर्स की टीम है वो उस पर अपना वर्जन या फैमिली पहले रखे। लेकिन ये मुद्दा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सुशांत, क्योंकि जिस तरह से 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ चले गए इस दुनिया से, और जो जो उनकी मौजूदगी अब तक टेलीविजन पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रही, किसी के लिए भी एक बार की यकीन कर पाना मुश्किल था। और हमारे साथ देखिए, जब जिम ट्रेनर यहाँ पर अंकित गौतम भी इस वक्त मौजूद हैं, अंकित मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकती हूँ कि आज सुबह जब ये खबर पहली बार मेरी नज़रों के सामने आई तो मुझे 5 सेकेंड लगे ये समझने में कि मैं जो देख रही हूँ वो सही है या नहीं है। ये मेरे ऊपर भी ये बात उस समय बीती है, तो सोचिए उनके लाखों जो चाहने वाले हैं शायद वो भी उस शॉक से गुजरे होंगे। हम इनफैक्ट वो विजुअल्स अभी दिखा रहे थे जिसमें वो ट्रेनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके फिटनेस के वो विजुअल्स हैं। फिटनेस, इसका मतलब जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है अगर 40 साल की उम्र में यूं एक इंसान चला जाता है तो? देखिए, ये हमारे लिए भी शॉकिंग था कि इस तरह से लाइक 40 की एज में जाना, बट कोविड सिचुएशन ने लोगों का स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ा दिया है इन टर्म्स ऑफ वर्क, देयर लाइफस्टाइल, तो स्ट्रेस लेवल से भी कई सारी चीजें हो रही हैं, हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं लोगों में, दे आर लाइक गेटिंग एग्रेसिव। मैं डेली ऑलमोस्ट 200 ऑडिबल जी जी बोलिए या तो लोगों का स्ट्रेस लेवल। हमारे साथ ये वेदम राम प्रसाद जी, अंकित कंप्लीट करिए। या
व्हाट इज हैपनिंग, स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया है समय पे. आई डू टेक ट्रेनिंग, पर्सनल ट्रेनिंग, आई मीट डिफरेंट पीपल. सबका समवन इज हैविंग वर्क स्ट्रेस. समटाइम्स पीपल आर हैविंग लाइक फैमिली रिलेटेड स्ट्रेस. कोविड नहीं, स्ट्रेस तो लेकिन एक अलग बात है. लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि जो एक हम सबके जहन में एक धारणा है कि जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो डेली अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी फिटनेस के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, काम करते हुए दिखाई देते हैं. देखिए सिद्धार्थ की वीडियोज़ देखिए आप फिटनेस के, उसके बावजूद भी अगर दिल का दौरा पड़ रहा है तो फिटनेस और जो हम एक्सरसाइज इनको जब कनेक्ट करते हैं किसी की भी कंप्लीट वेल बीइंग के लिए, मेरा सवाल उससे रिलेटेड था. खैर, लेकिन हमारे साथ इमरान हसनी जी भी मौजूद हैं इस वक्त. हाँ, आप स्ट्रेस का ही जिक्र कर रहे थे, मैं इमरान हसनी जी से भी इस पर जवाब ले लेती हूँ. इमरान हसनी जी, आप तो लगातार फिल्मों के लिए काम करते रहे हैं, थिएटर आप करते रहे हैं, इस लाइफस्टाइल से आप बहुत करीब से जुड़े रहे हैं, लेकिन यंग एक्टर्स की जिंदगी के जो ये उतार चढ़ाव के वक्त होते हैं, रिश्तों की मजबूती, बुरा फेज है जीवन का, तो क्या कोई आपको संभालने वाला है, आपको उस मुसीबत में आपको जमीन से जोड़े रखने वाला है, आपको ग्राउंडेड रखने वाला कोई है? कहीं ना कहीं क्या ये कमी प्रभावित करती है, इस स्तर पर मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है कि आपकी हेल्थ से लेकर आपके बाकी पैरामीटर्स जो वेलबींग के हैं वो बुरी तरह से प्रभावित होते हैं? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे. सबसे पहले तो मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है सिद्धार्थ शुक्ला को, उनके परिवार को. ये जिस तरह से, सॉरी, देयर वाज सम डिस्टर्बेंस. देखिए, स्ट्रेस तो हर फील्ड के अंदर, ऐसी कौन सी फील्ड है जिसके अंदर स्ट्रेस नहीं होता, या जहां पे आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता? प्रेशर इसका हर चीज के को स्ट्रेस के ऊपर डाल देना कि उसको स्ट्रेस में था तो उसके साथ ऐसा हो गया, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ. चाहे आदमी सक्सेसफुल हो, चाहे वो स्ट्रगल कर रहा हो, दोनों केसेस के अंदर ही कोई स्ट्रगल स्ट्रेस से तो डील करता ही करता है. तो स्ट्रेस और हर फील्ड के अंदर ये है, जिस फील्ड के अंदर आप लोग काम करते हैं वहां पे भी है, जिस फील्ड में हम लोग काम करते हैं वहां पे भी है. तो स्ट्रेस तो लाइफ का एक पार्ट है. उसकी वजह से हर आदमी अगर ऐसे ही हार्ट अटैक होने लगे और हर आदमी ऐसे स्ट्रेस की वजह से मरने लग जाए, सॉरी टू से लाइक दिस, तो ये तो पॉसिबल नहीं है. फिर तो रोज ही 10 लोग जाने लगेंगे इस तरह से. तो ये इसका कुछ कुछ और रीजन होगा, हार्ट से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे इसमें हमारे साथ एक कार्डियोलॉजिस्ट भी है. कई बार माइनर ब्लॉकेजेस भी होते हैं जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से सडनली हार्ट अटैक हो जाता है. इस टाइप का कोई रीजन रहा होगा जो कि अभी पोस्टमार्टम से पता चल जाएगा. लेकिन मैं इसको प्योरली काम पे और स्ट्रेस पे नहीं डालना चाहता. हर चीज को लोग स्ट्रेस से जोड़ देते हैं, स्ट्रेस होगा, डिप्रेशन होगा या वजन ज्यादा होगा. मेरी इनफैक्ट इमरान हस्ती जी, मेरी कुछ लोगों से बातचीत भी हो रही थी जो फिल्म फ्रेटर्निटी से जुड़े हैं. तो आज की तारीख में भी जितना चैलेंजिंग और जितना कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री हो गई है, आपको अपनी फिटनेस पर बहुत काम करना है, आपको अपनी बॉडी पर बहुत काम करना है, अपने लुक्स से लेकर, तो ये सारी चीज़ें जो हैं जिस तरह से वो आपकी पर्सोना को प्रभावित करती हैं, कहीं ना कहीं सेहत के आधार पर फिर वो कीमत क्या चुकानी पड़ती है? देखिए, अगर आप स्टेराइड्स ले रहे हैं या इस टाइप की कोई मेडिसिन ले रहे हैं जो मना है, जो डॉक्टर से कंसल्ट करे बिना ले रहे हैं, तब तो कुछ जरूर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर आप बॉडी बनाने के लिए कुछ ले रहे हैं. लेकिन अगर आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं और नेचुरली फिटनेस को फॉलो कर रहे हैं, उसके रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है. वो तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. ओके, इस वक्त हमारे साथ अरुणल मौजूद हैं, एक बार आप उनको भी इस बातचीत में जोड़ लेते हैं. अरुणल, देखिए बहुत सारे सवाल हैं, सब जानना चाहते हैं कि आखिर सिद्धार्थ के साथ क्या हुआ, उनकी तबीयत कैसी थी, रात में उन्होंने क्या दवा ली थी, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्या निकल कर सामने आएगा, इस वक्त क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद है अरुण? अभी देखेंगे कि मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स सिद्धार्थ शुक्ला जी के घर पे मौजूद थे, उनके सभी फैमिली मेंबर्स से ये जानने की कोशिश की गई. अभी भी देखेंगे कि उनके रिश्तेदार, उनके अक्वेंटेंसेस यहाँ पे पहुँच रहे. अभी अहम ये है कि कल एग्जैक्टली उनके ज़िंदगी में क्या हुआ वो जानना बहुत ज़रूरी है, और उनके लास्ट हफ्ते के ज़िंदगी में क्या हुआ, कोई क्या कोई स्ट्रेस था, क्या कोई कारण था जिससे स्ट्रेस हो सकता था, या और कोई वजह हो सकती थी, क्या कोई फाउल प्ले हो सकता था, ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा. तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी थोड़े टाइम में एक्सपेक्टेड है, उससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी. हालांकि हम अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं कि फैमिली ने अभी तक ये बोला है कि हमें किसी पे भी
संशय नहीं है, हम लोग किसी पे भी डाउट नहीं कर रहे। तो फाउल प्ले क्लियरली फैमिली ने तो डिनाई किया है। अभी बात करेंगे कि कल क्या एग्जैक्टली हुआ था। सिद्धार्थ शुक्ला यकीनन कल एक मीटिंग के लिए गए थे एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में, दोपहर को गए थे और शाम को अराउंड 8:30 बजे वो घर लौटे, फिर रात को उन्होंने जॉगिंग भी की। ये पुलिस सोर्सेज से हमें पता चल रहा है, जो फैमिली से उन्होंने बात की है। जॉगिंग करने के बाद क्या उनकी उनको अस्वस्थ लगा, ये एक बड़ा प्रश्न उठता है। और सुबह जब भी उनकी माँ ने उन्हें उठाने की कोशिश की तभी वो उठ नहीं पाए, ये हमें पता चल रहा है। और फिर बाद में डॉक्टर को बुलाया गया और डॉक्टर ने उन्हें कूपर हॉस्पिटल ले जाने की सलाह दी। एम्बुलेंस आने में भी क्या टाइम लगा, ये सब भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो होते हैं ये मुंबई पुलिस अभी देख रही है। अगर हम कंपेयर करेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत वाला जो केस था, बहुत सारे लूप होल्स निकले थे, बहुत सारी गलतियां दिखाई पड़ रही थी, बहुत लोगों ने ये पॉइंट आउट भी किया था। इसके लिए मुंबई पुलिस काफ़ी कॉशियस है। इस बार जो पोस्टमार्टम हो रही है उसको वीडियोग्राफ किया जा रहा है ताकि एविडेंस के तौर पे रह सके। और डॉक्टर्स से जिन्होंने पंचनामा भी किया, जो अभी पोस्टमार्टम कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली मुंबई पुलिस और बीएमसी के ऑफिसर्स टच में थे ताकि कोई गलती ना हो। अभी हम यहाँ की अगर बात करेंगे, काफ़ी फैंस अभी भी यहाँ पे है। मुंबई पुलिस कोशिश करे कि ज़्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो। यहाँ पे देखेंगे तो एक इनके लिए एक पोस्टर भी इनके फैंस ने लगाया हुआ है। और घर पे अभी गौहर खान जो एक एक्ट्रेस है उनकी कोस्टार भी रही है, काफ़ी कोस्टार्स उनके टीवी के खास करके, जिन्होंने बार बार ये बोला कि ये उनके लिए बहुत ही दुख वाला दिन है, ये बहुत ही दुखद वाली घड़ी है उनके लिए। वो अभी घर पे गए, परिवार को सांत्वना देने की पूरी कोशिश की जा रही है। बट क्लियरली एज द एज ऑफ 40, खाली 40 एज थी उनकी। उनके जिम पार्टनर से भी हमने बात की, सभी यही बोल रहे थे कि अरे कैसे, बात बताइए जो डिटेल्स इस वक्त हम चला रहे हैं, इस डिटेल्स में ये जानकारी भी सामने आ रही है कि उन्होंने अपने आप को, रात को वो जॉगिंग के लिए भी गए लेकिन उन्होंने अपने आप को असहज महसूस किया और ये बात कन्वे भी की, तो माँ ने उन्हें पानी और जूस दिया, असहज महसूस किया। ये बात परिवार ने कंफर्म की है, उन्होंने बताया है इस तरह से कि कुछ परेशानी उन्होंने महसूस की थी रात में। वेल, कुछ परेशानी महसूस की थी ऐसे सोर्सेस से हमें पता चल रहा है, ऐसे सूत्रों से हमें पता चल रहा है, बिकॉज मुंबई पुलिस के लोग उनसे बात, फैमिली वालों से बात तो कर रहे थे, उनके परिजनों से बात तो कर रहे थे, उससे पता चल रहा है। बट एग्जैक्टली क्या हुआ वो पोस्टमार्टम के बाद ही सामने आएगा। ओके, हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट करेंगे। अरुणिल, एक बार आप पॉइंट वाइज पॉइंट कल जब सिद्धार्थ लौटे हैं उसको जरा हमारे दर्शकों के लिए एक बार फिर से फ्रेम कर दीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति इस वक्त ये जानना चाहता है कि आखिर सिद्धार्थ को ऐसी क्या परेशानी हुई, क्या हुआ कल के दिन, क्योंकि जो इंसान हंसता खेलता कल आपके बीच में है वो आज नहीं है। तो ये एक ऐसी बात है कि जिसका जवाब हर कोई इस वक्त जानना चाहता है। तो आप हमारे दर्शकों के लिए एक बार फिर से उस पूरी टाइमलाइन को बताइए। कि पुलिस ने और फैमिली ने फाउल प्ले रूल आउट किया है, फाउल प्ले कंप्लीटली रूल आउट किया। अगर टाइमलाइन की बात अगर हम करते हैं कल एग्जैक्टली उनकी जिंदगी में क्या हुआ, तो कल वो एक मीटिंग के लिए गए थे एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में, ऐसे हमें पता चलता है। दोपहर को वो गए थे, 8:30 बजे के करीब वो घर आए थे, उसके बाद अराउंड 10 बजे के करीब, रात को 10 बजे के करीब वो बिल्डिंग के कंपाउंड में ही जॉग करने गए थे, ऐसा हमें पता चलता है, सूत्रों से पता चल रहा है। और फिर बाद में क्या उन्हें अनईजी लगा और फिर मेडिकेशन लिए गए, इसकी जानकारी मुंबई पुलिस अभी भी इकट्ठा कर रही है, पोस्टमार्टम से भी वो क्लियर हो जाएगा। और ये भी परिवार वालों ने बताया कि सुबह वो उठे नहीं थे, तो फिर उसके बाद क्या एक्शन लिया गया, डॉक्टर को कैसे बुलाया और कितना टाइम लगा एम्बुलेंस को आने में, क्या उनको बचाया जा सकता था अगर एम्बुलेंस को कम टाइम लगता, ये सब भी मुंबई पुलिस इसमें देख रही है। उसके बाद उनको कूपर हॉस्पिटल लेके गया जो यहाँ से करीब सुबह के टाइम पे आधे घंटे की दूरी पे होगा, और पर जब भी कूपर हॉस्पिटल उनको लेके गया तभी तक उनकी मृत्यु हो गई थी, ये कंफर्मेशन हम सुबह से बता रहे हैं। तमाम सवाल ऐसे हैं जो सवाल हैं, लेकिन जवाब के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना होगा कि मौत का समय कितना था, जब उन्हें अस्पताल लाया गया उस समय क्या स्थिति थी, और परिवार का वर्जन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है कि परिवार इस पर क्या जानकारी देता है। स्वागत है आपका लोकतंत्र में, और लोकतंत्र में आज लगातार कवरेज आपको दिखा रहे हैं उस खबर पर जिससे एक बड़ा तबका शॉक्ड है, क्योंकि टीवी से एक चर्चित चेहरा अचानक क्यों चला गया, लेकिन जो उम्र थी उस उम्र में दिल का दौरा पड़ जाना, सिद्धार्थ शुक्ला के न रहने से उनके फैंस तो शॉक्ड ही हैं लेकिन परिवार
उन्हें पसंद करने वाले लोग, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त, कोई इस वक्त समझ नहीं पा रहा कि आखिर कल सिद्धार्थ के साथ क्या हुआ। जो इस वक्त अहम जानकारियां हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट आपको उसकी जानकारी दे दें। सिद्धार्थ कल एक मीटिंग के लिए गए, उससे लौटे, रात 8 बजे घर लौटे, उसके बाद वो जॉगिंग के लिए भी गए, लेकिन सोते वक्त उन्हें कुछ असहज लगा, अनकंफर्टेबल महसूस हुआ, इस तरह की जानकारी सोर्सेज से अभी मिल रही है। लेकिन अभी किसी भी तरह के कयास से बचना चाहिए और इंतज़ार पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, जिस पर मौत का जो समय रहा और वजह रही वो और क्लैरिटी के साथ सबके सामने आ पाए। हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट्स का खास पैनल इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ डॉक्टर वेदम राम प्रसाद भी इस वक्त जुड़ गए हैं, अनुजा कपूर हमारे साथ मौजूद हैं, अंकित गौतम हमारे साथ जुड़ गए मौजूद हैं, इमरान हसरी मुंबई से एक्टर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, और डॉक्टर प्रीति गुप्ता भी इस चर्चा में हमारे साथ चुकी हैं। डॉक्टर वेदम राम प्रसाद, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, आप लोगों ने तो एक पर्टिकुलर रिसर्च किया है जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर, जिसमें हार्ट अटैक से लेकर कम उम्र में लोगों को जो इस तरह की परेशानी हो रही है उस पर एक पूरा स्टडी आपके पास उपलब्ध है। आज जब यह घटना आपने सुनी, यह खबर आपके पास जब आई, आपका पहला रिएक्शन या पहला थॉट क्या था उस समय? थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, जब भी ऐसा अनफॉर्चुनेट न्यूज आते हैं, स्पेशली लास्ट 1 ईयर से हर एक बार ये न्यूज आते हैं, हम समझते हैं कि द रिसर्च वर्क वी हैव डन, विच वी हैव कल्मिनेटेड एज ए स्क्रीनिंग टेस्ट करेंटली, एंड नॉट ओनली वी, देर आर मेनी रिसर्चर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, स्पेशली इन यूएस एंड वेस्टर्न कंट्रीज। अभी जो ये नया स्क्रीनिंग मेथोडोलॉजी आ रहा है, जेनेटिक स्क्रीनिंग मेथोडोलॉजी, इट डज नॉट रिप्लेस एनी एग्जिस्टिंग कन्वेंशनल मेथड्स और एनीथिंग, बट इट एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू। एंड वेन एवर वी सी सच इंसिडेंट्स, हमको ये लगता है कि दिस इंडिविजुअल ये स्क्रीनिंग किया तो अच्छा होगा, पहले ही वी शुड हैव लर्नड दैट ही इज एट हाई रिस्क, कुछ इंटरवेंशन कर सकते थे, कुछ प्रिवेंशन कर सकते थे। ऐसा सोच हमको अभी एक साल से आ रहा है। इवन लास्ट फ्यू मंथ्स बैक आल्सो वी हर्ड एन अनफॉर्चुनेट डेथ ऑफ एन एक्टर सस्पेंड, एंड एवरी टाइम दीज अर्ली एमआई इवेंट्स हैपन एंड पीपल सकम्ब टू देम, वी ऑलवेज थिंक टू आइडेंटिफाई बिफोर हैंड सम क्रिटिकल रिस्क फैक्टर्स सो दैट वी कैन अलार्म देम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जी। मेरे पास कुछ डेटा भी है, और अनुजा कपूर जी, ये डेटा मैं आपके सामने पढ़ना चाह रही हूँ, हालांकि इस पर हम डॉक्टर प्रीति गुप्ता से भी रिएक्शन लेंगे। लेकिन पिछले 5 साल में भारत के 30 से ज़्यादा जाने माने कलाकार हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट से मरे। स्ट्रेस, धूमपान, फिटनेस के लिए गलत दवाओं का प्रयोग, ड्रग्स, गलत दिनचर्या, गलत खान पान, ये तमाम रीजंस अलग अलग एक्सपर्ट्स अलग अलग मौकों पर कोट करते रहे हैं। लेकिन हार्ट अटैक से देश में जिस तरह से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, ये वाकई एक कंसर्न तो है कि भागती दौड़ती जिंदगी में कहीं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि आपकी सेहत, हम उसी को नजरअंदाज करते जा रहे हैं अक्रॉस फील्ड्स। हैप्पीनेस इंडेक्स एक नाम है, एक हैप्पीनेस इंडेक्स होता है। इंडिया का हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत बहुत नीचे है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अपनी हैप्पीनेस बाहर की तरफ ढूंढते हैं, लोगों के सोर्सेस में ढूंढते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस में ढूंढते हैं, अपनी हैप्पीनेस हम अपने आप में नहीं ढूंढ पाते। बहुत कम लोग हैं जो ये कहेंगे कि हम फिट हैं। फिट क्या फिजिकली फिट की बात कर रहे हैं? फिजिकल फिट से अलावा इमोशनल, साइकोलॉजिकल और आपको मेंटल फिटनेस होना बहुत जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप देखें तो कई बार ऐसा हुआ है कि कई रोल्स के मुताबिक या कई जगहों पर इनको बहुत ज्यादा एकदम से मोटा दिखना है, अचानक से इनको एकदम से पतला हो जाना है, तो उस दौरान पे भी बॉडी जो है वो इतना बड़ा स्ट्रेस ले नहीं पाती है, हार्ट जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, कि आप ये भी देखना बहुत जरूरी है इस केस में, मैं ज्यादातर क्योंकि एज अ क्रिमिनोलॉजिस्ट मैंने हमेशा से ये बात कही है कि रिवर्स साइकोलॉजी हर केस के अंदर देखनी चाहिए। जब इस तरह की डेथ्स होती है, जब इस तरह की डेथ सामने आती है जिसके अंदर थोड़ी सी शंका आती है, तो एक बार ये रिवर्स साइकोलॉजी होनी बहुत जरूरी है। आप आसपास में दोस्तों से, उनके भाई बंधुओं से, उस फेटर्निटी से, सिर्फ एक दो दिन के नहीं, महीनों की क्रोनोलॉजी को ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप इनके मन में क्या घर कर रहा था। अपार्ट फ्रॉम दिस, कि उनकी बॉडी जो फिजिकली कहीं वीक थी, क्या साइकोलॉजिकली उनको कहीं ना कहीं कोई इश्यू था, क्या उनको कोई परेशान कर रहा था, क्या फाइनेंशियल कहीं पर कोई इश्यू आ रहा था, क्या इसके अलावा क्या फैमिली में कोई दिक्कत थी? क्योंकि जब इस तरह की पोजीशन सामने आती है तो सब फैमिली वाले डर जाते हैं और कोई भी बात को सामने नहीं लाता है, जो बिल्कुल सही है, राइट टू प्राइवेसी है।
और मुझे लगता है हम सबको भी प्राइवेटली इस चीज को समझना भी चाहिए जी। पर जब कुछ इस तरीके के अपना बंदा, देखिए वो तो उनके फैमिली का बंदा था ही, पर जब वो मीडिया में आ जाते हैं तो वो हमारे हो जाते हैं। Absolutely, तो इसी कंसर्न की वजह से आज आप ये शो एज अ श्रद्धांजलि दे रहे हो। आपको कंसर्न है, हम किसी के बारे में कोई गलत बात नहीं करने बैठे, बिल्कुल बिल्कुल, हम सिर्फ कंसर्न दिखा रहे हैं कि क्या ऐसी चीजें हैं कि जो हम एज अ पैनलिस्ट मीडिया में भी लोग बात कर रहे हैं और आप लोग भी बात कर रहे हैं, और कम से कम अगर एक बेहतर डिस्कोर्स सेट होता है और ऐसी परिस्थितियों में भी अगर कोई उम्मीद की किरण दिखती है तो यकीनन वो बातचीत होनी चाहिए। लेकिन इमरान हसनी जी, देखिए जो बात यहाँ पर अनुजा जी ने शेयर की, उन्होंने बड़ी डिटेल में सब कुछ बताया कि कैसे लाइफस्टाइल से जुड़े अलग अलग पहलू हैं जो आपकी मेंटल फिटनेस को, आपकी फिजिकल फिटनेस को, आपके इमोशनल क्वोशन को प्रभावित करते हैं। मैं चाहूंगी, क्योंकि आप तो खुद इस फ्रिटर्निटी से जुड़े हुए हैं, आप खुद एक्टर हैं, आप हर तरह के शेड्यूल से गुजरते रहे हैं, इन चीजों पर थोड़ा रोशनी और डालें। देखिए अनुजा कपूर जी ने जो बात बोली है, हैप्पीनेस क्वेश्चन जो हैप्पीनेस इंडेक्स है जो हम लोगों के अंदर काफी हद तक मिसिंग है, बहुत सही बात उन्होंने बोली है। एक तो ये जो मैं एक्टर्स की बात कर रहा हूँ, मैं इधर उधर नहीं जाना चाह रहा, हर एक्टर एक दूसरे एक्टर को देख रहा होता है और उसकी उसको उस जगह जाना होता है, वो एक्टर किसी और एक्टर को देख रहा होता है, उसको उस जगह पे जाना होता है। तो ये लोग हर जगह, इन लोगों का कंपटीशन है, इन लोगों के पास एक रेफरेंस फ्रेम है, उनको रेफरेंस फ्रेम को पूरा करना है, अपने आप को उठाकर यहाँ से वहां रखना है, इस वजह से एक बहुत बड़ा प्रेशर ये लोग लेके चलते हैं। लेकिन मैं फिर वापस वही वाली बात बोलूंगा कि मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि वो आदमी अपनी जिंदगी से जिंदगी छोड़ देगा इसकी वजह है, क्योंकि उसको स्ट्रेस था या वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस था या वो कुछ करना चाहता था और वो कर नहीं पा रहा है तो वो मर जाएगा। तो क्या वो आपकी सेहत को प्रभावित कर रहा है, बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है, ये पॉइंट था। मैं भी वही वाली बात कर रहा हूँ, मैंने भी सुसाइड वर्ड यूज नहीं करा, मैं सुसाइड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हर फील्ड के अंदर इसी टाइप का कंपटीशन है, हर फील्ड के अंदर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, एक दूसरे को देख के उसकी जगह पे जाना चाहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कुछ हो जाएगा और वो मरी जाएगा। ये कोई इतनी ऐसी बात होती तो हर जगह ही हर कुछ हो रहा होता जी। ये मुझे लगता है कि ये वन ऑफ इंसिडेंट है, लोग परेशान जरूर होते हैं, स्ट्रेस में जरूर रहते हैं, हैप्पीनेस क्वेश्चन लोगों का कम है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसकी वजह से लोग अपनी जान से हाथ धोते जाएं, उसको इससे मैं नहीं जोड़ना चाहता उसको। ठीक है, आप अनुजा आप रिस्पॉन्ड करिए, फिर मैं अंकित के पास जाऊंगी। मैंने बहुत क्लियरली और बहुत साफ तरीके से आपको सुना सर। मैं बात ये नहीं कह रही कि हम लोग की किसी ने सुसाइड किया है या, और हैप्पीनेस इंडेक्स से आगे जो सिचुएशंस जो एक आम आदमी इस वक्त फेस कर रहा है वो ये है कि वो फंस जाता है, उसे ये नहीं पता है कि वापसी का रास्ता कैसे ले। प्रॉब्लम यहाँ फंस गए हैं सब लोग कि वापसी का रास्ता, अगर वो किसी भी पोजिशन पे मेंटली फंस गया है तो उसके दोस्त, उसकी फैमिली उसको वापस कैसे लेकर आए, क्योंकि हम अगर कोई भी बात करते हैं तो हम जज्ड हो जाते हैं, लोग हमारी तरफ जजमेंटल हो जाते हैं। और ये मुझे नहीं लगता कि आप भी देखे कि हर जगह पर ये चीजें हैं, आप डरते हैं अपने मन के भाव को प्रकट करना, और जब आप मन के भाव को प्रकट नहीं कर पाते तो वो अंदर नासूर की तरह चिपकने लग जाता है। आप बाहर से कितने भी खुश नजर आ रहे हैं, कितने भी एक्सरसाइज कर लें, पर अगर आप अंदर से खुश नहीं है और कोई चीज आपको काट रही है, कोई चीज आपको झिंझोड़ रही है, आपने कोई चीज ऐसी देख ली है किसी भी जगह पर जिसको आपको बताना है, कुछ करना है और आप नहीं कह पा रहे हैं और आपके अंदर वो घर करता जा रहा है, तो फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे कोई परेशानी से गुजर रहा है। लेकिन देखिए सिद्धार्थ की जितनी बार बातें हो रही हैं, किस तरह से वो अपने फैंस के बीच थे, उनका सोशल मीडिया प्रेजेंस जो था, जो उनका काम था, जो टीवी पर बोलता था, ऐसी एक तस्वीर उनके एक स्टेटमेंट में दिखाई दी जब हनुमान जी के बड़े भक्त उन्होंने अपने आप को बताया और इंस्टाग्राम पेज पर वीडियो भी डाला जिसमें उन्होंने हनुमान जी को अपना सुपर हीरो बताया था। मेरी तरह आपने भी बहुत से हीरोज और सुपर हीरोज की स्टोरीज देखी होंगी, लेकिन मेरे लिए सबसे इंस्पायरिंग है मेरे फेवरेट सुपर गॉड यानी कि हनुमान जी की स्टोरी। मैंने बचपन से उनकी स्ट्रेंथ, फिजिक और पावर के बारे में सुना है, लेकिन मेरी बॉडी बिल्डिंग के डेज से मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन हनुमान जी ही रहे हैं। बट रिसेंटली मैंने एक शो देखा The Legends of Hanuman, और मुझे हनुमान जी की लाइफ के बारे में कितने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चले, जैसे कि जामवंत जी ने उन्हें उनकी पास के बारे में रियलाइज कराया, उनका मेंटोर किया, और कैसे हनुमान जी एक योद्धा से भगवान बने। एंड यू नो व्हाट, इन द शो हनुमान जी इज लुकिंग सो कूल।
यकीन कर पाना मुश्किल है कि जब इस समय भी हम सिद्धार्थ को इस वीडियो में बोलते हुए सुन रहे थे तो ये सोचना कि वो है नहीं आपके बीच। और अंकित देखिए, वो कह रहे हैं कि हनुमान जी मेरे आइडल हैं, वो सुपर गॉड हैं, जो उनके जीवन से जुड़े अलग अलग पहलू हैं, मैं खुद उससे बहुत इंस्पायर्ड हूँ, ये सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं अनुजा जी की बात पे ही अंकित आपसे जवाब चाहूँगी। देखिए, जो आपका पूरा काम करने का तरीका है, जो आपका वर्क प्रोफाइल है, किसी पर्टिकुलर सीरीज के लिए, फिल्म के लिए, रोल के लिए आपको बहुत मोटा दिखना है, या कहीं पर आपको अचानक पतला दिखना है, कहीं पर आपको अलग तरह का बॉडी शेप चाहिए, कहीं पर आपका चाहे वो हेयर स्टाइल से लेकर बाकी अपीयरेंस है वो डिफरेंट होना चाहिए, कई बार कई और तरह के चैलेंजेस हैं जिन पर आप काम कर रहे हैं, भाषा से लेकर बाकी कैरेक्टर को बिल्ड करने तक को लेकर, ये सारे जो स्ट्रेस हैं, क्या ये आपके अंदर से इतनी ताकत या आपके ऊपर इतने हैवी हो जाते हैं कि वो एक अलग तरह से एक दबाव के रूप में काम करते हैं? आपने तो करीब से देखा होगा ऐसे स्टार्स को, सेलिब्रिटीज को जो इस तरह के काम में हैं इन्वॉल्व। अंकित, चलिए शायद उन तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन डॉक्टर वेदम प्रसाद, मैं आपसे ही इस पर जवाब चाहूंगी। देखिए, जो एक्टर्स की लाइफ के जो चैलेंजेस हैं, हम और आप तो शायद उसको उतनी बेहतरी से नहीं समझ सकते, लेकिन जितना दिखाई देता है पर्दे पर या जो हम अखबारों में कहानियां पढ़ते हैं या इधर उधर जो हमें खबरें मिलती रहती हैं, उसके लिहाज से एक कैरेक्टर के ऊपर जितना काम आपको करना है, क्या इट टेक्स अ लॉट ऑफ लॉट फ्रॉम यू? No, it depends upon the character, right? How they take it and what kind of lifestyle they have, what kind of risk factors they have. So it all depends upon individual to individual. Some of them can take a lot of stress. Some of them cannot take. It doesn't mean that if you're not showing it out, doesn't mean that they don't have stress. And at the same time, you have to understand a lot of physiological and lifestyle factors involved, you know, starting from obesity, starting from their physical factors, physiological factors. बस एक reaction मुझे आप और दीजिएगा। जो हम अब तक ये समझते थे कि बड़े बुजुर्गों की बीमारी है दिल का दौरा पड़ना, लेकिन अब जो 40 की उम्र से नीचे के भी जो लोग हैं, मतलब 20-21 साल से लेकर 35-40 तक की उम्र में जिस तरह से ये केसेस बढ़े हैं, क्या अब ये धारणा पूरी तरह से टूट चुकी है, बुजुर्गों की नहीं है, यंग लोगों को भी उसी तरह से हो रहा है? Dr. Vedam. Yes. So, very important question. This is an important question that everybody should know. Is there is a large study done called Inter-Heart Study. So, Inter-Heart Study was done more than on 30,000 individuals across 52 countries. Usme, what is the summary of the one of the major finding of the study is Asian individuals, especially Indians, jo hai. उनको जो हार्ट अटैक आता है वो 5-10 ईयर्स अर्लियर कंपेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन। ओके, नंबर वन। सो इफ यू गो बाय वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स वेयर एवरेज एज इज अबाउट 60 ईयर्स और अज्यूम 50 अबाउट 55 ईयर्स, इंडियंस एंड एशियंस विल बी गेटिंग हार्ट अटैक्स 5-10 ईयर्स अर्लियर अराउंड 40-50 ईयर्स ऑफ एज, मेनी ऑफ दैट। एंड दिस इज इंक्रीजिंग टू रीजंस। वन, द अवेयरनेस इज कॉट अप, more screening is happening, more individuals are going for checkups. Second, the lifestyles have changed, a lot of stressful lifestyles. And when you have such kind of a lifestyle, and with the different, you don't have many of them who don't have control on their food, don't have control on their physical aspects. और बिल्कुल, ये तमाम factors हैं जिसकी वजह से ये चिंता जायज है कि अगर इतनी कम उम्र में भी इस तरह से परेशानियां, हेल्थ इश्यूज आएंगे तो उस पर हम सभी को जागरूक होने की जरूरत है। लेकिन सिद्धार्थ की मौत के बाद जितने सवाल हैं उन सभी के लिए इंतजार करना होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, जिसके बाद तस्वीर और इस पर साफ हो पाएगी। लेकिन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपने विचार यहाँ रखने के लिए और हमारे दर्शकों को एक बड़ी पिक्चर इस पूरे मामले पर दिखाने के लिए।